हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ हीरो स्प्लेंडर प्लस, जो कि इंडिया की बहुत ही ज़्यादा सेलिंग वाली बाइक है। हीरो की कंपनी इसे 1994 में लॉन्च किया था। तो इस गाड़ी को अभी 25 साल हो चुके हैं मार्केट में और इसकी डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। शुरू में जैसा ये डिज़ाइन था उसे वैसा ही रखा गया है। और ये 2019 का न्यूज़ में कुछ कुछ चेंजेस कंपनी ने की है, जैसे i3 स्मार्ट और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। ये देखिए, ये साइड पैनल में इस तरह से ग्राफिक्स न्यू लॉन्च की गई है 2019 के लिए। और बाकी डिज़ाइन में कोई भी चेंजेस नहीं की गई है इस गाड़ी में। ब्रेकिंग सिस्टम में थोड़ा सा चेंज किया गया है। और साइड पैनल की बात करें तो स्प्लेंडर प्लस में जो चाबी से पैनल खुलता था उसमें नट लगा दिया गया है। और सबसे मेन फीचर यह है दोस्तों, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। एक पैडल, पीछे का पैडल दबाने से आपका आगे और पीछे दोनों का कॉम्बी ब्रेक लगता है। ये सिस्टम इससे पहले सिर्फ स्कूटियों में आता था इंडिया की, और ये इंडिया की पहली बाइक है जिसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ है। इसकी कॉस्ट 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है बाकी गाड़ियों की कंपैरिजन में। और ये बाइक इतने सालों से मार्केट में है तो इसकी कुछ ख़ास फीचर्स की वजह से ही है। 97 cc का इसमें इंजन, जो पुराने लगे हुए थे वैसे ही है। सेल्फ स्टार्ट के ऑप्शन में आता है ये, उसमें दो तीन वेरिएंट्स मिलते हैं आपको। मीटर कंसोल की बात करें तो इस तरह से स्टैंड का इंडिकेटर दिया हुआ है, i3s का इंडिकेटर दिया हुआ है। ये सब नए फीचर्स हैं इसमें। i3s का ऑन ऑफ बटन सेल्फ स्टार्ट के साथ, और बाकी सब तो पुराने जैसे है। BS4 की वजह से इसमें लाइट का स्विच नहीं है। पास लाइट का स्विच आपको स्प्लेंडर प्रो में मिलेगा, स्प्लेंडर प्लस में ये नहीं है। अभी की जो रिसेंट किया है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक है, जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। और बाकी बात करें तो बहुत ही अच्छी इसकी लुक है गाड़ी की। पीछे की बात करें तो कोई भी चेंजेस नहीं है, बैक लाइट इंडिकेटर सब पहले की तरह ही है। टायर 2/75/18, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं। अलॉय व्हील्स, साइलेंसर, चेन कवर सब सेम है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये हीरो की गाड़ी कैसी लगी और इसका ये खास फीचर्स अच्छा काम करेगा या नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।